मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन चल रहा था, उसी चैप्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करा था। देखा होगा आपने सारे सेशन, यदि नहीं देखा है तो जरूर से उस सारे पिछले जितने वीडियो लेक्चर्स हैं उसको जरूर से आप देख लीजिए, राइट। तो हमने यही देखा कि भाई कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम लोग एक कंपास निडल को रख देते हैं तो वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट करती है, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये हमने कंक्लूड किया कि डेफिनेटली एक करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड द स्पेस जिस जहां पे रखा हुआ है, राइट। तो ये बात हुई थी हमारी। अब हमारे माइंड में एक बात और आ सकती है, क्या रिवर्स पॉसिबल है? मतलब क्या हुआ कि यदि किसी करंट कैरिंग वायर में क्या फोर्स लगेगी नहीं लगेगी बाय सम मैग्नेट, यहां पे क्या हो रहा था बताइए, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट इन द वायर, राइट। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि करंट के फ्लो करने की वजह से वायर में करंट जब फ्लो कर रहा था तो उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक निडल पे फोर्स लग रही होगी, तभी तो डिफ्लेक्ट करा था, तभी तो डिफ्लेक्शन उसका पॉसिबल है, राइट। तो क्या ये रिवर्स हो सकता ही नहीं हो सकता? रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि यदि एक करंट कैरिंग वायर में क्या मैग्नेट फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। मैग्नेट के ऊपर तो फोर्स लग गई बाय द करंट कैरिंग वायर, क्या इसका उल्टा हो सकता ही नहीं हो सकता है? तो इसी के ऊपर बात करी गई और एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। ऑब्वियस बात है रिवर्स पॉसिबल, मतलब दिमाग में क्वेश्चन आया कि रिवर्स है या नहीं है, तो इसी के ऊपर बात करी गई, इसी से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए और ये देखा गया कि ये पॉसिबल है और ये होता है कि एक करंट कैरिंग वायर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, मतलब मैग्नेट का मतलब हो गया कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी करंट कैरिंग वायर में फोर्स लगाया करती है, लगा सकती है, तो इसी के ऊपर सारी बातें अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बता देता हूँ, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कुछ सामान मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पहला मटेरियल जो आपको चाहिए, एक स्ट्रांग मैग्नेट आप ले लीजिए, राइट, कोई भी तरह का एक स्ट्रांग मैग्नेट आप ले लीजिए। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारे पास हालांकि इतना स्ट्रांग मैग्नेट नहीं है, ये मैंने एक बार मैग्नेट ले रखा है, राइट, ये देखिए बार मैग्नेट है, बट ये बार मैग्नेट आप एक स्ट्रांग बार मैग्नेट ले लीजिए। एक तो ये बात हो गई, एक आप हल्का मेटालिक जो है मेटल का आप वायर ले लीजिए, या ये देख रहे हैं आप ये मेटालिक रॉड आप ले लीजिए, बट वो लाइट होना चाहिए, राइट, तो लाइट मेटालिक रॉड ले लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए, बैटरी जो है ना, जैसे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी मैं बार बार आपको दिखाया करता हूँ, तो 12 वोल्ट की बैटरी मेरे पास है, आप यदि ज़्यादा स्ट्रांग बैटरी है तो वो ले लीजिए, राइट, जो कि बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो जरूरी नहीं कि 12 वोल्ट की बैटरी हो, ज़्यादा स्ट्रांग बैटरी हो तब भी काम हो जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। अब इसके बाद आप दो वायर ले लीजिए, ये दो वायर ले लीजिए, राइट। अब इस दो वायर को क्या कीजिए कि आप सबसे पहले ये जो है ना मेटल मैं आपको दिखा रखा हूँ, तो इस वायर को इसके ऊपर लपेट दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लपेट के मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप इस तरीके से ये वायर है ना, इस वायर को ये मेटालिक रॉड हो गया, इसके ऊपर आप ऐसे लपेट दीजिए इस एंड को। सावधान रहना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट काफी केयरफुल रखना है, तो ये इस तरीके से लपेट दी गई, अच्छे से लपेटना है ताकि ये डिस्कनेक्ट ना होए, राइट। इसी तरह से आप इस सिम एक और वायर लीजिए और दूसरे एंड को आपको लपेटना है ऐसे, इसी को ऐसे करके आप लपेट दीजिए। देखिए मैंने लपेट दिया है दोनों एंड, आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों टच नहीं करना चाहिए आपका, ये हो गया, अब दूसरा एंड ये हो गया आपका। अब इसको आपको सस्पेंड करना है, केयरफुली आप इसको ऐसे सस्पेंड कर दीजिए, देखिए ये सस्पेंड हो गया आपका, राइट। अब इसके बाद ये जो दो एंड आपको देख रहे हैं,
ये दोनों एंड आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों एंड, देख रहे हैं ये दोनों एंड, देखिए दोनों एंड, इन दोनों एंड को बैटरी के प्लस पोलैरिटी और माइनस पोलैरिटी से कनेक्ट कर दीजिए, राइट। प्लस पोलैरिटी एंड माइनस पोलैरिटी से, एक वायर को प्लस पोलैरिटी से, दूसरे वायर को, दूसरे एंड को माइनस पोलैरिटी से कनेक्ट कर दीजिए, और ये इस तरह से सस्पेंड हो गया, ये देखिए गिर गया, सावधानी से रखनी है। अब फिर उसे आप एक स्टैंड से, जो पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखाया, उससे पूरे एक स्टैंड से आप खड़े कर दीजिए, या हाथ से पकड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब फिर इसके बाद क्या कीजिए, एक स्ट्रांग मैग्नेट लीजिए और उस स्ट्रांग मैग्नेट को उसके पास में लेके जाइए, तो आप देखेंगे कि जो मेटालिक रॉड है वो आपकी डिफ्लेक्ट करती है, हल्की से डिफ्लेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेट स्ट्रांग है और कई बातों पे डिपेंडेंट होगी, तो अब इसी के ऊपर सारी डिस्कशन करने जा रहा है, राइट। तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बता दिया, बट इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट। बैटरी, यदि आप स्ट्रांग बैटरी लेते हैं तो उस समय हीटिंग इफेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ना हो, तो इन सब बातों को सावधानी से आप करना, सावधानी से करेंगे तभी हो पाएगा। और आप किसी जो, यदि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपेरिमेंटलिस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी न किसी जो है इंस्ट्रक्टर के साथ, जिसको फिजिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, उनके साथ मिलकर के आप कर सकते हैं, राइट। हालांकि मैं फ्यूचर में बाद में कभी इस एक्सपेरिमेंट को करके भी पूरा मैं करूंगा, फिर उसका वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसे दिखाऊंगा अभी आपको, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैंने तरीका आपको बता दिया। अब देखिए, अब क्या क्या यहां पे ऑब्जर्वेशन है वो देखिए। अब सबसे पहली बात ये है कि ये मैंने एक एक करके ऑब्जर्वेशन को मैंने इलुस्ट्रेट कर रखा है। देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये जो आपका रॉड है, दोनों का ये रॉड है, रॉड के अलॉन्ग सपोज करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और ये कैसे हो सकता है, इस बार मैग्नेट को बिल्कुल इसके पैरेलल रख दीजिए, यदि आप रखेंगे ऐसे तो दोनों बिल्कुल आप देखेंगे तो बार मैग्नेट को यदि पैरेलल रखते हैं तो उस केस में क्या देखा जाता है कि इस निडल में या तो ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगी या बहुत कम ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि फील्ड का नेचर कैसा है। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जो कि मैंने दिखा रखा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है बताइए, सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो देखिए, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखा रखा है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैंने ये जो रॉड है उस रॉड में जो करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैं लेके ऐसे पोलैरिटी कनेक्ट करी गई है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो ये देखा गया कि इस मेटालिक रॉड में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, और यदि डिफ्लेक्शन नहीं है तो उस सिचुएशन हम लोग क्या कहेंगे, उस सिचुएशन में कहेंगे कि इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, राइट। अब क्या कीजिए, इस रॉड को धीरे धीरे इसको ऐसे ओरिएंट कीजिए, देख रहे हैं आप, ऐसे ओरिएंट कीजिए, जैसे जैसे मतलब पहले ऐसे था, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, अब इसको ऐसे थोड़ी टेढ़ी कीजिए तो देखेंगे डिफ्लेक्शन मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आप ऐसे रख दीजिए बिल्कुल रॉड को, रॉड ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, देख रहे हैं करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये है। जब ऐसा देखा गया ओरिएंटेशन रॉड की मैग्नेटिक फील्ड में, मेटालिक रॉड की मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा इस रॉड में, इस मेटालिक रॉड की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। समझ में आ रही बात है यहां पे कि ये पॉइंट यहां पे ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है तो यहां पे फोर्स भी सबसे ज्यादा इस केस में होगी जब ये ओरिएंटेशन होगा। तो जब ये सिचुएशन देखा गया कि भाई कि इस केस में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो ये इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि यहां पे फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो इस सिचुएशन में जबकि करंट ऐसे जाए रॉड में या ऐसे जाए, लेकिन रॉड ऐसा होना चाहिए, मेटालिक रॉड, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, उस केस में इस मेटालिक रॉड की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा रही, राइट। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व किया, तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने देखा यहां पे कि भाई कि मेटालिक रॉड की ओरिएंटेशन यदि मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज करी जाए तो फोर्स की वैल्यू भी इसके ऊपर जो लग रही है वो चेंज कर रही होती है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व किया। अब आगे और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब क्या कीजिए यहां पर कि अब आप दूसरा मैग्नेट ले आइए, एक ऐसा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले आइए जो कि पहले से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे,
राइट। और ओरिएंटेशन बिल्कुल आप ऐसे ही रखें, देखिए ओरिएंटेशन बिल्कुल आप ऐसे ही रखें, करंट की वैल्यू वही रखें, बट मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाएंगे कैसे, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ला करके या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ला करके, कोई भी दूसरे तरह का मैग्नेटिक फील्ड का जो भी सोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आइए। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो ये देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा थी। मतलब जब आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके पास लेके जाते हैं या स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आप इस तरीके से मेटालिक रॉड को रख देते हैं, तो यही सेम रॉड पे, इसी सेम रॉड की डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज्यादा यदि मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस कर दी गई, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, ये बी टू है, बी टू वैल्यू ट्वाइस हो गई, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि डिफ्लेक्शन भी ट्वाइस हो गई। मतलब डिफ्लेक्शन ट्वाइस होने का मतलब क्या हो गया कि फोर्स भी ट्वाइस हो गई। मैं ऐसे बोलूंगा, एग्जैक्टली मैं ये कहूंगा कि फोर्स ट्वाइस हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है। एक बात ये आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई, राइट। अब दूसरी बात देखते हैं। अब देखिए यहां पे कि रॉड हमने वही रखा, बिल्कुल सेम लेंथ का, सेम मैग्नेटिक फील्ड वही रखा, मैग्नेटिक फील्ड वही रखने का मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड रखिए, बट करंट को इंक्रीज करा दीजिए। इस रॉड में करंट की वैल्यू इंक्रीज करा दीजिए। करंट के इंक्रीज कराने का मतलब क्या हो गया, करंट इंक्रीज कैसे होगा, जो पहले 12 वोल्ट की बैटरी थी उसकी जगह पे 24 वोल्ट ले आइए, ज्यादा ले आइए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी ले आइए, मतलब करंट आप बढ़ा दीजिए। तो जब करंट बढ़ाई गई तो फिर से ऑब्जर्वेशन देखा गया कि डिफ्लेक्शन ज्यादा थी। मतलब यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा थी, इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा हो गई। इसके अंदर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करेगी करंट कितना फ्लो कर रही है। जितना ही ज्यादा करंट इसका तो उतना ही ज्यादा फोर्स। तो दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट अब आ गई कि फोर्स की वैल्यू इस पे किस किस बात पे डिपेंडेंट है। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होगा जिसमें इस रॉड को, करंट कैरिंग रॉड को यदि हम लोग प्लेस करते हैं तो उतना ही ज्यादा फोर्स हो गया। जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा यहां पे फोर्स लगेगी। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात एक और देखिए। अब इस रॉड की लेंथ बढ़ा दीजिए। थर्ड में इसमें क्या हुआ, देखिए इस थर्ड सिचुएशन इसमें क्या हो गया, एक छोटा मेटालिक रॉड है, मैंने एक बड़ा मेटालिक रॉड ले लिया, लेंथ बढ़ा दिया, बाकी वही रखा, ओरिएंटेशन वैसे ही है जैसे पहले था, ताकि फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा मिले। मतलब जो रॉड की लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखी गई यहां पे, परपेंडिकुलर, बिल्कुल वही है। रॉड की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर है, ताकि फोर्स सबसे ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन हमने चेंज क्या किया, लेंथ बढ़ा दिया, बाकी करंट की वैल्यू वही रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड वही रखा गया। तो लेंथ बढ़ने से यह देखा गया कि भाई कि फोर्स बढ़ गई, फिर से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गई, फोर्स बढ़ गई यहां पे। मतलब फोर्स यहां पे किस बात पे डिपेंड कर गई, रॉड के लेंथ के ऊपर, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ को ट्वाइस किया गया तो देखा गया कि फोर्स भी ट्वाइस हो गई, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। तो हमने कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन देखा, चार इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पहली बात, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द दिस लेंथ एल एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए L और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं, इसलिए इस पे फोर्स नहीं लगी, यहां फोर्स नहीं लगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। बट यहां पे L देखें, L मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, L मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं आप, यहां पे फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा मिली। नेक्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द मेटालिक रॉड। थर्ड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। इन सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फाइनल ये रिजल्ट इस केस में निकाला गया, पर्टिकुलर केस में, जबकि लेंथ एल को हम लोग जो है रॉड के लेंथ एल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तो फोर्स विल कम आउट बी आई एल। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द मेटालिक रॉड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो फाइनली जब इस तरह से रॉड को रख दें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर हो लेंथ उसके, तो फोर्स हमें मैक्सिमम लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू बी आई एल। अदरवाइज हायर क्लासेस में जब जाएंगे, ये तो हमने इस लेवल पे बात करा है, जब हम लोग हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, और फोर्स होती है बी आई एल साइन थीटा, फोर्स की मैग्नीट्यूड। थीटा इज द एंगल बिटवीन द
L लेंथ ऑफ द रॉड एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैं आपको दिखा भी देता हूं करके प्रॉब्लम. मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ L ऐसे रॉड का, करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर है, ये लेंथ L हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, राइट. तो इस एंगल थीटा पे भी डिपेंड करती है फोर्स की मैग्नीट्यूड, और दैट इज गिवन बाय BIL sin थीटा, राइट. तो इस तरीके से हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर तो बात कर ली कि फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर जो है या मेटालिक रॉड में फोर्स जो लगेगी इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन किन बातों पे डिपेंडेंट है, ये सारा डिस्कशन हमारा इस सेशन में रहा. मेरे ख्याल से आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हमने यहाँ पे बात करी है. और हम लोग अब ये समझेंगे फोर्स का डायरेक्शन. ये तो फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर बात हुई, एफ इक्वल टू बी आई एल, कब, जब इसका लेंथ एल रॉड का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो फोर्स बी आई एल आ गया था, राइट, मैग्नीट्यूड हो गया. अब हम लोग फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे. तो अगले सेशन में हम लोग फोर्स का, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि इसमें करंट फ्लो कराया जाए तो उसके डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे. और काफी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, उसमें आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बात करेंगे ताकि आप बढ़िया से समझ सकें. हम लोग अगले सेशन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बात करेंगे, जिसका यूज करके इसके ऊपर एक रॉड में यदि करंट फ्लो कराया जाए और यदि उसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो जो फोर्स लगती है उसके डायरेक्शन को हम लोग डिटरमिन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो डेफिनेटली आप को लेक्चर तो पसंद आ ही रहा होगा, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक तो करते ही होंगे, नहीं कराए तो कर दीजिए लाइक, अच्छे से कमेंट्स लिखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब. अभी काफी आगे आने वाले टाइम में काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लेस करेंगे हम लोग, आप पूरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और भी आने वाले जो टॉपिक हैं, राइट.